आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, 1 जुलाई 2021 से TDS कटेगा दुगने अमाउंट से। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए, अगर आपने इस सेक्शन को नहीं समझा, इसके बारे में जानकारी नहीं ली, तो 1 जुलाई 2021 से ये सेक्शन ये कहता है कि जिन लोगों को TDS काटना है तो उन लोगों को डबल रेट से TDS काटना पड़ेगा। लेकिन ये सेक्शन एकदम फालतू का सेक्शन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये वाला जो सेक्शन है बहुत कम लोगों को हिट करेगा, वो बताता हूँ कैसे, लेकिन ये टेंशन बढ़ाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की। ये सेक्शन सिर्फ टेंशन बढ़ाने वाला है और कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सेक्शन के बारे में पूरी जानकारी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है। चलिए जी, बात करते हैं सेक्शन 206AB की। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी कंपनी है फिनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अब हमारी कंपनी पे TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, TDS काटते हैं। अब हम TDS किस किस का काटते हैं, मान लो हमने कपिल जैन का TDS काटा, हमने मनीष अग्रवाल का TDS काटा प्रोफेशनल का, या हमने 194C में कॉन्ट्रैक्टर का TDS काटा, या हमने सैलरी पर TDS काटा युगल का। अब यहाँ पर इस बात को समझिएगा, ये सेक्शन कहता क्या है कि 1 जुलाई 2021 से जब भी तुम किसी का TDS काटोगे, तो इस बात को एंश्योर कर लेना कि जिसका आप TDS काट रहे हो उसने अपनी 2 साल की ITR फाइल कर दी हो। अरे भैया, ये क्यों जानना चाहते हो तुम? उन्होंने कहा, नहीं भैया, अगर जिस व्यक्ति ने अपनी 2 साल की ITR फाइल नहीं की है, आप उसका TDS हायर रेट से काटोगे। अगर वो व्यक्ति अपनी 2 साल की ITR फाइल नहीं करता है और साथ में उसका जो TDS कटा है पिछले दो सालों में वो 50,000 रुपये से ज़्यादा हो पर ईयर। सर ये क्या बात हुई, हम समझे नहीं, इस बात को समझना। अब मेरे पास क्या है, ये 194C, ठीक है, एक व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्टर है। अब पहली बात तो आप समझो कि जब मैं फाइनेंशियल ईयर, हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 जुलाई 2021, जब मैं फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसके 2 साल कौन से चेक करूँगा? सर आप पिछले 2 साल चेक करोगे, फाइनेंशियल ईयर 19-20 और फाइनेंशियल ईयर 20-21। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, 2 साल वो चेक करने हैं जिसकी ITR की डेट जा चुकी हो। अरे भैया, इस वाले केस में तो इसकी ITR की डेट अभी गई नहीं है, तो आपको कौन से 2 साल चेक करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड 19-20, अगर आप 1 जुलाई 2021 को TDS काटते हो। और इन 2 सालों में भी क्या चेक करना है, इस व्यक्ति ने अपनी ITR फाइल कर दी हो। और अगर ये व्यक्ति अपनी ITR फाइल नहीं करता है, तो इसका जो TDS है इन 2 सालों में 50,000 रुपये से कम हो TDS और TCS। अब यहाँ पर इस बात को समझना, क्या मैं अब हर व्यक्ति से ये डिटेल मांगूंगा कि भाई आप अपनी दोनों ITR दो मुझे, और अगर वो अपनी दोनों ITR नहीं देता है और उसकी ITR फाइल नहीं है, तो मैं क्या उससे 26S मांगूंगा कि आप अपना 26S दो कि तुम्हारा TDS या TCS 50,000 रुपये पर ईयर से कम है। तो क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, हमारी टेंशन बढ़ा दी कि भाई हर व्यक्ति जिसका आप TDS काटते हो आपको उससे ये डिटेल लेनी पड़ेगी। अरे नहीं सर, जो नया इनकम टैक्स पोर्टल आया है उस पर ये यूटिलिटी दे देंगे और वहाँ पर ये चेक करके बता देंगे कि पैन नंबर डालो और आपको बता देंगे 206AB एप्लीकेबल होगा या नहीं। अरे भैया, जब तक यूटिलिटी नहीं आई तब तक आपको इस सेक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। अगर वो फैसिलिटी नहीं आती है तो ये हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट काम हो गया, और अगर ये यूटिलिटी आ भी जाती है तो मैं डेली हर महीने 100 लोगों का TDS काटता हूँ, क्या मैं 100 लोगों को बार बार चेक करूँ? और ऐसे कितने लोग होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, जिसका पर ईयर 50,000 रुपये TDS कट रहा होगा और वो अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर रहा होगा, ऐसे होंगे क्या? ऐसे होंगे 2-4% लोग, 1-2% लोग होंगे ऐसे, और उन 1-2% लोगों को पकड़ने के चक्कर में तुमने 100% लोगों को परेशान कर दिया। अरे भाई, उसका TDS काट लिया, वो अपनी ITR नहीं भरता, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? तुम्हें इस चीज से क्या दिक्कत है? अगर वो अपनी ITR भरेगा तो हो सकता है ना वो 50,000 रुपये का रिफंड क्लेम कर ले,
ठीक है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आपका तो हमने टीडीएस काट ही रखा है, आप उसे पकड़ना है तो वैसे पकड़ लो। यहां पर एक नया सेक्शन लाकर जो व्यक्ति टीडीएस के दायरे में है उनका पैनिक ना क्रिएट करे। इस सेक्शन की खूबसूरती समझ लो भैया, ये वाला सेक्शन 194, ठीक है ना, सॉरी 192 पर नहीं लगेगा, मतलब सैलरी के केसेस में नहीं लगेगा, 194 एन के केसेस में नहीं लगेगा। तो यहां पर ये चेक करना है कि 206 ए भी कुछ केसेस में नहीं लगेगा, लेकिन जिन केसेस में लग रहा है, जैसे कि प्रोफेशनल के केसेस में, जैसे कि कमीशन के केसेस में, जैसे कि 194 सी के केसेस में, तो यहां पर 1 जुलाई से अगर आप टीडीएस काट रहे हो और यूटिलिटी नहीं आती है तो ये डिक्लेरेशन ले लो। इस बात को आपको समझना है, अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं ली तो आपका टीडीएस कटेगा हायर रेट से। क्या हायर रेट? इन्होंने बोला ट्वाइस द रेट ऑफ रेट इन फोर्स, मतलब जो रेट अभी एप्लीकेबल है उससे डबल रेट। कमीशन का रेट है 5%, कमीशन के केस में 5% पे टीडीएस होता है ना, उस केस में लगेगा 10%। और अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल के केस में कितना लगेगा, 10% रेट है उसमें लगेगा 20%। और अगर मैं बात करूं किस चीज की, कॉन्ट्रैक्टर की, तो कॉन्ट्रैक्टर के केस में रेट होता है 1%, उसका डबल क्या हो गया, 2%, 2% नहीं लगेगा उस पे, लगेगा 5%। अरे भाई जान निकल जाएगी उसकी, वो फटाफट अपनी आईटीआर भरेगा। तो यहां पर आईटीआर भरवाने के लिए गवर्नमेंट इतनी पीछे पड़ी हुई है कि इस तरह का प्रोविजन बना दिया, इस तरह का सेक्शन बना दिया। वो तो सही है, सैलरी वालों पर नहीं लगाया ये सेक्शन, नहीं तो जो व्यक्ति जॉब कर रहा होता उसे अपनी पिछले साल की आईटीआर लानी होती। 192 पे नहीं लगाया है, 194 ये लॉटरी वगैरह वाले उन पर भी नहीं लगाया है, 194 एन पर नहीं लगाया। और ऐसा ही एक सेक्शन टीडीएस में तो लाए लाए, साथ के साथ किस में लेकर आ गए, टीसीएस में भी ये प्रोविजन है। तो अगर आप किसी का टीडीएस काट रहे हो या टीसीएस काट रहे हो तो भाई सामने वाले व्यक्ति से उसकी 2 साल की आईटीआर ले लेना, और अगर आपने 2 साल की आईटीआर नहीं ली तो आपको दिक्कत हो जाएगी। सर आप ये कहां से पढ़कर बता रहे हो? भैया जब ये बजट आया था ना, हमने उसी टाइम अपने फरवरी के एडिशन में ये चीज बता दी थी, तो सारे लोग मेंटली प्रिपेयर होंगे। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, जो हमारा जुलाई का एडिशन है, जो हमारा मैगजीन का जुलाई का एडिशन है, उसमें क्या करते हैं, आपको एफएक्यू बना के दे देते हैं इसके बेसिस पर, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ क्या इस बार का जो जुलाई का एडिशन है उसमें एफएक्यू बना दे, सेक्शन 194 के ऊपर, 206 एबी पर। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सर इस संडे क्या है, इस संडे 27 जून 2021 को शाम को मिलेंगे 3 से 6 बजे तक। सर क्या करेंगे, हाउ टू फाइल ITR4, ITR4 कैसे फाइल होती है ये बताएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनती है ये बताएंगे, टैक्स प्लानिंग कैसे करें वो बताएंगे, टैक्स रिवीजन नहीं बताएंगे, 44AD और ADA में क्या दिक्कतें हैं, कैसे किसे फॉलो करना है वो सारी बातें बताएंगे, कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, कौन कौन से डिसअलाउ होते हैं वो बताएंगे, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट में कैसे कैलकुलेट होता है वो बताएंगे। तो भैया इसकी फीस कितनी रखी है, 3 घंटे की फीस 599 है, लेकिन ध्यान रखना शुरू के 50 तक, 50 रजिस्ट्रेशन तक, 20 हो चुके हैं, सिर्फ 30 रह गए हैं। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, मैगजीन की सैंपल कॉपी लेना चाहते हो, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर हम तो ये वीडियो ही बाद में देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितने भी वेबिनार हम करते हैं उसकी हम रिकॉर्डिंग देते हैं। इनकम टैक्स का करेंगे तो इनकम टैक्स वालों को देंगे, पेन ड्राइव वालों को, जीएसटी का करेंगे तो जीएसटी वालों को देंगे। तो आप हमारी पेन ड्राइव लेकर इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं, पूरा फुल कोर्स आप उसमें देख सकते हैं। और आपने हमारा ऐप डाउनलोड कर ही लिया होगा, ऐप के अंदर क्या खासियत है, उसमें ना छोटी छोटी वीडियो है कि भाई 200 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये में वीडियो देख लो और आप पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और वीडियो लाइक भी करना, और कमेंट कर कर बताना क्या इनकम टैक्स पर और वीडियो आपको चाहिए, क्योंकि आपको पता है मैं इनकम टैक्स पर बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे हैं इनकम टैक्स में क्या कोर्स है, तो इनकम टैक्स का कोर्स समझ लो, इनकम टैक्स में TDS, बैलेंस शीट, ROC भी बताते हैं और बहुत कम फीस है, अगर आप इसे लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।